तो अभी हम सेक्स डिटर्मिनेशन का एमसीक्यूज को जाएंगे, ये पार्ट थ्री है। सो ये सभी हमने, जब भी मैं बुक बोलती हूँ इसका मतलब है एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक। तो एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग इज प्रोटीन है या एक्स क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम है, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका होगा एक्स क्रोमोजोम। नेक्स्ट, ग्रास हॉपर हैज दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ग्रास हॉपर क्या है? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन सा होगा? एक्स एक्स, एक्स वाई, जेड जेड, एक्स ओ, ये होगा। तो ग्रास हॉपर में सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप क्या है? एक्स ओ। तो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोजोम्स इज नॉट इक्वल इन। तो मेल और फीमेल क्रोमोजोम्स कहां पे इक्वल नहीं है? ह्यूमंस में हेन, हेन में ड्रोसोफिलिया में ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर में। तो आंसर है ग्रास हॉपर, क्योंकि यहाँ पे जो मेल है उसको एक्स जीरो होता है और फीमेल को एक्स एक्स होता है। तो मेल को टोटली एक एक्स कम हो जाता है और फीमेल में इतना रहता है, तो इक्वल नहीं रहता है मेल और फीमेल। यहाँ पे सभी मेल और फीमेल में इक्वल रहता है। नेक्स्ट, मेल हेटेरोगैमेटी मीन्स, मेल्स हेटेरोगैमेटी मेल्स में माने क्या है? हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स, हैविंग सेम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स, माने सेक्स क्रोमोजोम्स दो टाइप के हैं, या सेक्स क्रोमोजोम्स सेम टाइप के हैं, या हैविंग ओनली वन, एक वाई क्रोमोजोम का ही होना, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा पहला वाला, ये हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। माने ह्यूमंस में आप देख सकते हैं एक्स वाई होता है मेल्स में, इसको हम हेटेरोगैमेटी बोलते हैं। ऐसे ड्रोसोफिलिया में भी एक्स वाई ही होता है, ड्रोसोफिलिया में भी मेल ही हेटेरोगैमेटी होता है। नेक्स्ट, मेल हेटेरोगैमेटी इज नॉट सीन इन, मेल हेटेरोगैमेटी हम कहाँ नहीं देखते हैं? ह्यूमंस में नहीं देखते, हेन में नहीं देखते, ड्रोसोफिलिया में या रैबिट में? इसका आंसर हेन है, क्योंकि हेन में क्या देखते हैं हम? फीमेल हेटेरोगैमेटी, माने फीमेल लोग का गैमेट अलग अलग एलील्स है, उसको हेटेरोगैमेटी देखते हैं हेन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन फीमेल हेटेरोगैमेटी फीमेल बर्ड, बर्ड है यहाँ पे हेन, इज हैविंग क्रोमोजोम्स। तो अगर फीमेल, वो पूछ रहा है क्रोमोजोम्स क्या है हेन का या फीमेल बर्ड का, क्योंकि फीमेल का हेटेरोगैमेटी होता है उनमें, जेड जेड है, जेड डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू है, नन। इसका आंसर होगा जेड डब्ल्यू। नेक्स्ट, ह्यूमंस शो, यहाँ पे थोड़ा मैंने ऊपर लिखा है इसको, ह्यूमंस शो फीमेल हेटेरोगैमेटी फीमेल, सॉरी, ह्यूमन शो फीमेल होमोगैमेटी या फीमेल हेटेरोगैमेटी या मेल होमोगैमेटी या नन। तो हमारे ह्यूमंस में, मेल्स में क्या हो जाता है? सेक्स क्रोमोज ऐसा हो जाता है, फीमेल्स में क्या हो जाता है? ऐसा हो जाता है, तो होमोगैमेटी हो जाता है, दोनों एलीली सेम, तो फीमेल्स का होमोगैमेटी होता है, मेल्स का हेटेरोगैमेटी होता है। तो ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस टोटल नंबर ऑफ ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम्स और, तो ये डायरेक्ट है, सभी को मालूम होगा कि ऑटोजोम्स हमारा 23 पेयर्स होते हैं और सेक्स क्रोमोजोम एक होता है, एक पेयर होता है। रिमेम्बर, पेयर्स लिखा है, क्रोमोजोम नंबर नहीं, तो आप ध्यान से पढ़ना होगा। कुछ टाइम क्रोमोजोम नंबर 46 दिया होगा उसने, तो ये भी ध्यान से पढ़ना होगा कि ऑटोजोम्स कितना है और, सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम्स अलग अलग पूछा है, तो टोटली 23 पेयर्स होता है, ऑटोजोम्स उसमें 22 पेयर्स होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम एक पेयर होता है, तो आंसर डी है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, इन मेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे एक ही गैमेट प्रोड्यूस होता है, गैमेट ही प्रोड्यूस नहीं होता है, दो टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होता है या चार टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होता है? आंसर क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है मेल्स में,
हमें दो टाइप 50% गैमेट्स को एक्स मिलता है, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है मेल्स में तो 50% गैमेट्स को एक्स मिलता है और 50% गैमेट्स को वाई क्रोमोसोम मिलता है, पर फीमेल्स में क्या हो जाता है 50% को एक्स और 50% को एक्सी, दोनों एक्सी एक ही गैमेट प्रोड्यूस होता है एक्स, तो हम क्या टिक करने का यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स और प्रोड्यूस्ड, क्या टिक करने का टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स और प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट द सेक्स ऑफ जाइगोट इन ह्यूमंस इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है ह्यूमन बीइंग में जाइगोट का सेक्स, अ चाइल्ड का सेक्स, ओवम या स्पर्म या बोथ या नन, स्पर्म आंसर है इसका, क्या है स्पर्म आंसर है, क्योंकि ओवम क्या प्रोड्यूस करती है एक ही टाइप ऑफ गैमेट एक्स, स्पर्म क्या प्रोड्यूस करता है एक्स और वाई, अगर स्पर्म का ये एक्स जाके इससे ज्वाइन हो जाता है तो एक्स एक्स हो जाता है, फीमेल हो जाता है जाइगोट, अगर स्पर्म का वाई जाके ये एक्स से कंबाइन हो जाता है तो एक्स वाई हो जाता है और जाइगोट मेल हो जाता है, तो कौन डिसाइड करता है स्पर्म डिसाइड करता है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पर्म ओवम एंड जाइगोट आर एज फॉलोज, तो ये पेयर्स में पूछा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, पेयर्स माने तीनों को एक ही बार पूछा है, आपको मालूम है कि स्पर्म एंड ओवम में क्या होता है हैप्लॉइड नंबर रहता है, हैप्लॉइड नंबर माने टोटल हमारा 23, क्योंकि टोटल हमारा कितना 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में, सो हैप्लॉइड नंबर माने 23, तो हम क्या, क्योंकि ये गैमेट्स है तो स्पर्म में भी 23 ओवम में भी 23, पर जाइगोट में क्या हो जाता है स्पर्म और ओवम दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो तब क्या हो जाता है 46, क्योंकि 23 प्लस 23 तुमको 46 देगा, तो आंसर क्या हुआ, ये सभी भी दिया है पर आंसर ये है 11। नेक्स्ट 12 चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर लीड्स टू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉइंट म्यूटेशन, अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज हो गया तो पॉइंट म्यूटेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, डीलीशन होता है, नन, आंसर है पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन, ये म्यूटेशन से लिए गए। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस आर कॉज्ड बाय, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होता है ये भी डायरेक्ट है, चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर, डीलीशन ऑफ बेस पेयर्स, इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स, डी बी एंड सी, इसका आंसर क्या हो जाता है डी हो जाता है, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट डिलीशन ऑफ बेस पेयर्स और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स दोनों से फ्रेम शिफ्ट, अगर सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया तो पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस को जाएंगे, इसमें थोड़ा ही क्वेश्चंस आएंगे यूजुअली। नेक्स्ट चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट पेडिग्री एनालिसिस, तो इसमें क्या है एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली, इसमें क्या बोला है उसने पेडिग्री एनालिसिस का रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करो, ये एक फैमिली में ट्रेट्स का एनालिसिस करता है पहला सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस क्या है ये स्ट्रांग टूल है, हमें इनहेरिटेंस एक ट्रेट का इनहेरिटेंस पढ़ना है तो ये बहुत ही स्ट्रांग टूल है, और ऐसे चित्र ऐसे क्या है ये साइन है, इसमें फाइव मीन्स फाइव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स नन लिखा है, तो इसका इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसका मतलब है अफेक्टेड नहीं, नॉट अफेक्टेड चिल्ड्रन, ऐसे क्या भी सिंबल है तो ये फाइव नॉन अफेक्टेड चिल्ड्रन है, अफेक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वही है ये कॉन्सैंग्विनियस मीटिंग इज शोन एज, पेडिग्री एनालिसिस में कुछ साइंस दिए होते हैं आप वो फिगर 5.13 को पढ़ना ही चाहिए, ये मैंने एक क्वेश्चन उसके बारे में पूछा है, कॉन्सैंग्विनियस मीटिंग इज शोन एज, ऐसे दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं ऐसे या ऐसे, तो ऐसे दिखाते हैं कॉन्सैंग्विनियस मीटिंग। नेक्स्ट म्यूटेजन्स और चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, म्यूटेजन्स क्या है, यूवी रेडिएशंस हो सकते हैं वो जो एजेंट्स जो इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं, या एजेंट्स जो म्यूटेशंस करते हैं, या ये केमिकल से भी हो सकता है, तो इसका आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, एजेंट्स जो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है वो रॉन्ग है।
नेक्स्ट हम जाएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को वो मार्क करो. दी ये जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पेडिग्री एनालिसिस के हिसाब से हम ट्रेस कर सकते हैं. मेनली ये क्यों हो जाते हैं, ऑल्टरेशन या म्यूटेशन ऑफ जीन होने से होते हैं. ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो नहीं करते हैं. ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकता है. इसमें रॉन्ग है सी वाला, सी रॉन्ग है. नेक्स्ट, वन ऑफ दीज इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर. ये इसमें एक मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है. सिकल सेल अनिमिया, हीमोफीलिया, फिनाइल किटोन्यूरिया, डाउन्स. डाउन्स मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. तो इसका आंसर डाउन्स हो गया. नेक्स्ट, नेक्स्ट, हीमोफीलिया इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. नेक्स्ट, इन हीमोफीलिया मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फीमेल हीमोफीलिया इज रेयर, माने फीमेल्स में हीमोफीलिया नहीं, यूजुअली बहुत रेयर होता है, दिखता नहीं है उतना आसानी से. हेटेरोजाइगस फीमेल इज अफेक्टेड. हेटेरोजाइगस है तो वो फीमेल को हीमोफीलिया हो जाता है. हेटेरोजाइगस फीमेल अपने जो उसको अगर बच्चा लड़का हुआ तो उसको ट्रांसमिट कर सकती है. और ये जो सिंगल प्रोटीन जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं वो उसका डिफेक्ट से हीमोफीलिया होता है. तो इसमें सबसे रॉन्ग कौन सा है, ये वाला है. हेटेरोजाइगस फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड नहीं, कैरियर होती है. अफेक्ट नहीं होता है उसको, डिसीज नहीं आता है, वो कैरियर हो जाती है. नेक्स्ट, सिकल सेल अनिमिया को जाएंगे अभी. इन सिकल सेल अनिमिया मार्क इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है. ये ऑटोसोमल रिसेसिव है. ये जीनोटाइप HBA HBS माने अफेक्ट हो जाता है अगर जीनोटाइप ऐसा है तो. अगर जीनोटाइप HBS HBS है तो ये अफेक्ट हो जाता है. अगर जीनोटाइप HBA HBS हो तो ये कैरियर्स हो जाते हैं. कौन सा रॉन्ग है इसमें, इसमें बी रॉन्ग है. आप सोचिए तीन जीनोटाइप होते हैं ये हीमोफीलिया, ये सिकल सेल अनीमिया में. ये वाला नॉर्मल होता है और अगर जीनोटाइप ऐसा हो गया तो ये वाला कैरियर हो जाता है. और अगर ये ऐसा है तो ये वाला अफेक्ट हो जाता है. क्या हो जाता है, इसको सिकल सेल अनीमिया हो जाता है. नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन सिकल सेल अनीमिया के बारे में. इसका यहाँ पे भी रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करो. क्या कह रहे हैं, यहाँ सिंगल बेस सब्स्टिट्यूटेड, एक सिंगल बेस बीटा ग्लोबिन चेन के सिक्स्थ पोजीशन में एक सिंगल बेस चेंज हो रहा है इस डिसीज में. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऐसे सिंगल बेस चेंज होने से यहाँ पे जीन गैग GAG से GUG हो जा रहा है बोल रहे हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलाइन को ग्लूटामिक एसिड जाके सब्स्टिट्यूट कर रहा है बोल रहा है. नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होके उसका शेप RBC का शेप चेंज हो जाता है, बाइकॉनकेव से सिकल सेल शेप हो जाता है. इसमें कौन सा रॉन्ग है पूछ रहे हैं, तो इसमें सी रॉन्ग है. क्या रॉन्ग है, सी, क्योंकि यहाँ पे वैलाइन को ग्लूटामिक एसिड नहीं सब्स्टिट्यूट करता, ग्लूटामिक एसिड को वैलाइन सब्स्टिट्यूट करता है, बाकी सब करेक्ट है. अभी फिनाइल किटोन्यूरिया को जाएंगे. क्वेश्चन, इन फिनाइल किटोन्यूरिया मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट. फिनाइल किटोन्यूरिया में कौन सा रॉन्ग है, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, मेंटल रिटार्डेशन इज सीन, फिनाइल एलालाइन इज नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन, लैक्स एंजाइम फिनाइल एलालाइन हाइड्रोक्सिलेज. ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन देखते हैं. यहाँ पे फिनाइल एलालाइन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम फिनाइल एलालाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है. इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है.
अभी हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को जाएंगे। एन्यूप्लॉइडी माने क्या है? एन्यूप्लॉइडी माने गेन, क्रोमोसोम्स गेन करना, क्रोमोसोम्स लूज करना, या डिलीशन ऑफ जीन होना, या इंसर्शन ऑफ एक बेस होना। तो इसमें आंसर ए बी करेक्ट है, या बी सी, या सी डी, या नन। तो इसमें आंसर ए बी, गेन और लॉस दोनों को अनइम्प्लॉयडी बोलते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं? एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम से, एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम से। अगर क्रोमोसोम एब्सेंट हुआ तो, अगर क्रोमोसोम एक्सेस ज्यादा हुआ तो, नहीं तो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट बदल गया तो या नन ऑफ द अबव। तो चूज द इनकरेक्ट, ये तीनों करेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, पॉलीप्लॉइडी इज ड्यू टू, पॉलीप्लॉइडी क्यों होता है? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस माने क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, उसके बाद जो सेल दो पीस में हो जाता है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, या फेलियर माइटोसिस में फेलियर, या मियोसिस में फेलियर, या नन। तो इसका आंसर है फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, जो टीलोफेज के बाद होता है वो। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में आप याद रखो फिगर 5.16 में, वो फिगर को आप लोग मगअप करने का ही, वो क्या क्या फीचर्स उसने दिया है। वो ट्राइजोमी 23 है, ट्राइजोमी 21 है, ट्राइजोमी 22 है, या नन। तो ये है बी आंसर, ट्राइजोमी 21। 21 में 21 क्रोमोसोम दो होने के बदले तीन हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं वो लड़के या लड़की में? 47 क्रोमोसोम्स, 46 के बदले में उनको 47 क्रोमोसोम्स रहते हैं। नेक्स्ट, फर्रोड टंग इज सीन इन सिकल सेल एनीमिया, टर्नस सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फिनाइल किटोन यूरिया। तो इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम का जो है वो सभी आप पढ़ो, वो फिगर का एनसीईआरटी बुक का। जीनोटाइप ऑफ 47 XXY एंड गाइनेकोमास्टिया इज सीन इन क्लेनिफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नस सिंड्रोम, नन। आंसर इसका क्लेनिफिल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन क्लेनिफिल्टर्स एंड टर्नर सिंड्रोम आर। तो क्लेनिफिल्टर सिंड्रोम में क्या है, आप देख सकते हो XXY, एक एक्स ज्यादा, तो इसका क्रोमोसोम्स कितना होने का क्लेनिफिल्टर्स का? 47। और टर्नर्स में क्या है? 45, क्योंकि उसका पैटर्न है X0, तो एक क्रोमोसोम कम। तो हम कौन सा चूज करेंगे? यहाँ पे ये चूज करेंगे। नेक्स्ट, द कैरियोटाइप। कैरियोटाइप माने क्या? क्रोमोसोमल स्टडी। कैरियोटाइप X0 इज सीन इन, कहाँ देखते हैं? डाउन्स में, क्लेनिफिल्टर्स में, टर्नर्स में, हीमोफीलिया में, टर्नर्स में देखते हैं। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम में चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनको स्ट्रीक ओवरीज माने बहुत ही तिन ओवरीज, पतला सा ओवरीज, इनफर्टाइल होते हैं ये, यूजुअली फीमेल्स होते हैं। इनका जीनोटाइप XXO0 होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है, इनका जीनोटाइप क्या है? X0 होता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स को? कैरियोटाइपिंग, क्रोमोसोमोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी, नन ऑफ द अबव, कैरियोटाइपिंग।